हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप ये सामने देख रहे हो बैलेनो का बेस वेरिएंट, जो कि सिग्मा वेरिएंट रहने वाला है। इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 6.35 लाख के समथिंग एक शोरूम प्राइस है, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। न्यू एज बैलेनो बोल रहे हैं इसको, नाम दिया है नया। ये बेस वेरिएंट रहने वाला है सिग्मा वेरिएंट। इसमें क्या कुछ दिया गया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देख सकते हैं आप, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। की से स्टार्ट करते हैं। इसकी की किस तरीके की दी गई है ये देख सकते हैं। इसकी सेंटर लॉकिंग वगैरह सब की में, जो कि पहले वाली बैलेनो में आपने देखा होगा सिग्मा में, वो सब नहीं था, इस बार दे दिया है। तो यहाँ से इसको लॉक, ये अनलॉक, ये दोनों चारों इसके हेजार लाइट्स ऑन हो जाती है इसके कारण अनलॉक लॉक करने पर। अब फ्रंट से बात करें तो इसकी कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। बेस वेरियंट नॉर्मल ही दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया इसके अंदर। टॉप वेरिएंट से करें तो लाइट की बात करें तो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, जो कि येलो लाइट्स निकालते हैं। और यहाँ पर ये आप एलोजन बल्ब देख सकते हैं, जो कि लो बीम हाई बीम पे काम करता है। और यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पर इसकी लाइट की इस तरफ क्रोम की फिनिश दी गई है, यहाँ पर भी क्रोम की फिनिश दी गई है। और जो आपने टॉप वेरिएंट में देखा होगा, यहाँ पर क्रोम की फिनिश आती है ग्रिल में, वो नहीं दी गई इस बार इसमें सिग्मा में। और यहाँ पर भी मैट ब्लैक फिनिश में ग्रिल दी गई, यहाँ पर सुजुकी का लोगो, इसका नीचे बम्पर। और यहाँ पे फोग लैंप वगैरह कुछ नहीं दिए गए, यहाँ पर आप एसेसरीज में या फिर आफ्टर मार्केट फोग लैंप लगवा सकते हैं। ये अब तो बात हो गई फ्रंट से, अब साइड से बात करो तो साइड से कैसी क्या दिखती है गाड़ी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से दिखती है गाड़ी साइड से। अब इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें अपोलो के टायर दिए गए, स्टील रिम्स दी गई है सिल्वर कलर में, फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए और बैक साइड में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। टायर साइज की बात करें तो अपोलो के टायर है 185/65 R15 इंच के टायर दिए गए हैं इसके अंदर। और फेंडर पे इसका इंडिकेटर दिया गया है, जैसे कि पहले भी सिग्मा में आता था, वो अभी भी इसमें यहीं पे आ रहा है। और ये बॉडी कलर में नहीं दिया गया, ये मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। इसको आप ना तो ऑटो फोल्ड कर सकते ना एडजस्ट कर सकते, इसको आप मैनुअली यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ना कोई अंदर नॉब वगैरह कुछ दिया गया। अब डोर के हैंडल की बात करें तो यहाँ से आप की भी इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे सेंटर लॉकिंग है ही। और ये भी मैट ब्लैक फिनिश में दिए गए, ना कोई क्रोम फिनिश ना कोई बॉडी कलर, दोनों चीज़ें नहीं दी गई इसके अंदर। बैक का डोर हैंडल भी कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब रियर से बात करें तो रियर में थोड़ी चेंजिंग कर दी न्यू बैलेनो में, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखती है रियर में, जो कि टॉप वेरियंट में देखा होगा आपने। जिसकी जो बैक लाइट्स है वो सेम दी गई है बेस वेरियंट में भी, कुछ चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर न्यू बैलेनो का लोगो, सुजुकी का लोगो, यहाँ से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। और चार पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जो कि कॉमन है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर लाइट दी गई है, और नीचे से देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट पाइप है, बाकी नीचे कुछ भी नहीं दिया गया वो बाकी। और इसके अभी मैं आपको इसका बूट ओपन करके बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर डिफोगर दिया गया है पर रियर वाइपर नहीं दिया गया। स्टॉप हाई स्पीड स्टॉप लैंप लाइट यहाँ पर स्पॉइलर टाइप में दिया गया है, ताकि आपको स्पॉइलर वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं रहे, बाकी लगवा सकते हैं एसेसरीज में। अभी मैं इसका देखिए इस तरीके से कुछ आपको बूट ओपन करना पड़ेगा इसका। ये देख सकते हैं ये इसका बूट ओपन हो गया। बूट स्पेस की बात करें तो अभी मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कितना बूट स्पेस है, पर मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा कितना क्या स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट लाइट लगवा सकते हैं, पार्सल ट्रे वगैरह कुछ नहीं दी गई। अब इसके उसकी बात करें स्पेयर व्हील की, तो ये भी स्टील रिम में दिया गया है। 185/65 R15 इंच का टायर दिया गया है इसका अपोलो। स्पेस की बात करें तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस लग रहा है, आपको वीडियो में दिखे नहीं दिखे, पर स्पेस बहुत ज़्यादा दिया गया है गाड़ी के अंदर बूट में। चलिए अब चलते हैं रियर साइड, ड्राइवर साइड डोर क्या दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो चारों पावर विंडो के कंट्रोल, जो कि आपने पहले वाले वेरिएंट में देखा होगा दो ही पावर विंडो आती थी, और ये इसका ऑटो अप डाउन वगैरह दिया गया है, ये चारों पावर विंडो कंट्रोल्स। और यहाँ पर आर्म रेस्ट दिया गया है, ये भी पहले नहीं था, हार्ड में था, ये थोड़ा सॉफ्ट में फैब्रिक टाइप में आ गया, ये भी सॉफ्ट टच फैब्रिक में आ गया। और ये प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक है। ये पर इसके गियर के पेडल्स दिए गए हैं, ये लॉक अनलॉक वगैरह का, हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, केवल रिक्लाइन आगे पीछे कर सकते हैं। इसकी सीट्स को भी मैं इसकी सीट थोड़ी पीछे कर देता हूँ। फैब्रिक की सीट्स दी गई है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब बढ़िया है।
अच्छा खासा स्पेस दे दिया पहले से बैलूनों में इसमें, और इसका ये कुछ इग्निशन दिया गया है यहाँ पर, ये आपकी लाइट वगैरह को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं इसके इग्निशन में की इंसर्ट करता हूँ, ये मैंने इसके इग्निशन में की इंसर्ट कर दी, देख सकते हैं। अब इसके एसी ऑन है, मैं ऑफ करता हूँ एसी, ये मैंने इसका एसी ऑफ कर दिया। स्टेयरिंग की बात करें तो डी कट स्टेयरिंग दिया गया है, जैसा कि आपने स्विफ्ट वगैरह में इन सब में देखा होगा, सेम वही स्टेयरिंग दे दिया। डिजायर वगैरह में आपने अर्टिगा में देखा होगा, तो न्यू एज बैलूनों में ये एक न्यू अपडेट, ये भी अपडेट है। दो एयरबैग मिलते हैं, एयरबैग की बैजिंग SRS की, और यहाँ पर ही क्रोम फिनिश वगैरह नहीं मिलता जो कि टॉप मॉडल में मिलता है। यहाँ पर आपको इसको पकड़ने के लिए सही बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। मैं डोर बंद कर लेता हूँ ताकि नॉइस वगैरह नहीं आए। स्पीडोमीटर की बात करें तो जो नॉर्मल टॉप वेरिएंट में वैसा तो नहीं है, पर जैसा कि पहले आपने देखा था पहले वाले सिग्मा वेरिएंट, तो जैसा कि उसमें नहीं था ना वैसा कर दिया स्पीडोमीटर वगैरह, RPM मीटर वगैरह कर दिया, 1000 तक RPM मीटर अलर्ट वगैरह कर दिया इसमें, और टेम्परेचर वगैरह सब कर दिया। यहाँ से इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं, रेंज किलोमीटर एवरेज 5.4 KMPL आ रहा है अभी इसमें, एवरेज सेट नहीं है अभी इसका, यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप इसका बहुत कुछ, ऐसा कुछ है। और सबसे एक सबसे बढ़िया चीज़ जो सब ही को पसंद आएगी वो है इसका ऑटोमेटिक क्लाइम कंट्रोल, जो कि बेस वेरिएंट में दे दिया है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ से इसका टेम्परेचर वगैरह कर सकते हैं, जो कि टॉप वेरिएंट में वो ही लो वेरिएंट में है, देख सकते हैं आप। अभी मैं इसका AC ऑफ कर देता हूँ, अभी गाड़ी खड़ी है और वीडियो में प्रॉब्लम। यहाँ पे दो कप होल्डर दिए गए, ये कुछ स्टोरेज एरिया, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट या फिर एसेसरीज में लगवा सकते हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर डार्क ब्लैक फिनिश में दिया गया है, कोई स्टूडियो वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया इसके अंदर। यहाँ ग्लव बॉक्स की बात करें तो अच्छा खासा डिसेंट स्पेस मिलता है ग्लव बॉक्स में। यहाँ पर स्पीकर के जगह दी गई है, आफ्टर मार्केट स्पीकर लगवा सकते हैं, पावर विंडो कंट्रोल, AC वगैरह, AC वेंट्स के अपडेट्स हैं, यहाँ पर हेजल लाइट्स, ये इसका हैंड ब्रेक, यहाँ पर क्रोम की फिनिश नहीं दी गई, कोई आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया गया। इसके 5 स्पीड मैनुअल गियर है, 1 रिवर्स गियर, आप देख सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स आवाज़ कर दिए हैं, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा पार्किंग सेंसर्स की आवाज़ आएगी, कहाँ से है एक सेकेंड, ये देख सकते हैं पार्किंग सेंसर्स का केवल, अभी पीछे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए कुछ बताना नहीं है। चलिए अब चलते हैं रियर की साइड, और रियर की साइड क्या कुछ दिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसकी हाइट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, रियर डोर की बात करें तो रियर डोर भी सेम फैब्रिक में, सॉफ्ट टच फैब्रिक, हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पर बोतल होल्डर, यहाँ कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है, और यहाँ पर स्पीकर की जगह दी गई है, स्पीकर आफ्टर मार्केट वगैरह आप कुछ भी एक्सेसरीज वगैरह में, यहाँ पर फैब्रिक की सीट्स दी गई है, कुछ इसके लिए दिए गए। सबसे दुख की बात तो ये है इसमें रियर में कोई AC वेंट नहीं मिलते, जो कि टॉप वेरियंट जेटा वेरियंट में दिए गए हैं वो नहीं दिए गए। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर ये लाइट वगैरह दी गई, येलो लाइट दी गई है, ग्रैप हैंडल, हेडरेस्ट नहीं मिलते, फ्रंट में 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, रियर में कोई हेडरेस्ट नहीं दिया गया। और स्पेस तो सीधी सी बात है, अपडेट किया तो पहले वाले बैलूनों भी बैक साइड में बहुत स्पेस था, तो इस बार तो ऑफिस की बात है स्पेस तो बनाना था ही गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी थोड़ी लंबी और चौड़ी करती है। ये कुछ थी बैलूनों सिग्मा 2022 की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई आपके रिलेटिव में कोई गाड़ी लेना चाहता है तो ज़रूर ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।